रस्ता सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत नेत्र चिकित्सा शिबिराचे आयोजन। पोलीस व त्यांचे परिवार करता लवकरच पोलीस दवाखाना कार्यान्वित होणार। पोलीस अधीक्षक अमोग गावकर। शहर वाहतूक शाखा अकोला तर्फे रस्ता सुरक्षा सप्ताह निमित्ताने वेगवेगळ्या प्रबोधनात्मक व धडक मोहीम सुरू असून रस्त्यावरील अपघात कमी करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत आहे। त्याच अनुषंगाने नेत्रदोष असल्याने किंवा नजर कमी झाल्याने होणारे अपघात टाळता यावे म्हणून नेत्र चिकित्सा शिबिराचे आयोजन दिनांक 16 जानेवारी 2020 रोजी पोलीस मुख्यालयातील मनोरंजन सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते। सदर शिबिरामध्ये अकोल्यातील प्रसिद्ध नेत्ररोग तज्ज्ञ डॉक्टर शिरीष थोरात व त्यांचे चमूने सेवा दिली। सदर शिबिराचे उद्घाटन पोलीस अधीक्षक अमोग गावकर यांनी करून सुरक्षित वाहन चालवण्यासाठी शरीर सुद्धा स्वस्थ लागेल व यासाठी नेत्र चिकित्सा शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगून पोलीस कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी हक्काची व तात्काळ वैद्यकीय सेवा मिळावी म्हणून लवकरच पोलीस हॉस्पिटल कार्यान्वित करणार असल्याचे सांगितले। डॉक्टर शिरीष थोरात यांनी फक्त शिबिरापुरतेच मर्यादित राहणार नसून आजच्या तपासणीत ज्यांना पुढील उपचार किंवा ऑपरेशनची गरज आहे त्यांना कार्ड देण्यात येईल व वर्षभर त्यांचा उपचार त्यांचे स्वतःचे हॉस्पिटलमध्ये विनाशुल्क करण्यात येईल असे जाहीर केले। सदर नेत्र चिकित्सा शिबिरात पोलीस वाहन चालक, अकोल्यातील स्कूल बस चालक, वाहतूक कर्मचारी अशा 225 लोकांची नेत्र तपासणी करण्यात येऊन औषधी देण्यात आली व त्यापैकी पुढील तपासणी व उपचार आवश्यक असलेल्या 92 रुग्णांना कार्ड देऊन डॉक्टर थोरात यांचे नेत्र चिकित्सालयमध्ये त्यांना वर्षभर पुढील उपचार विनामूल्य करण्यात येणार आहे। सदर शिबिराचे उद्घाटन कार्यक्रमात पोलीस अधीक्षक अमोग गावकर, डॉक्टर शिरीष थोरात, डॉक्टर आशिष ठाकरे, गृह पोलीस अधीक्षक पाटील, पोलीस निरीक्षक गजानन शेळके, राखीव पोलीस निरीक्षक गुरसुंदरे उपस्थित होते। सदर शिबिर यशस्वी करण्यासाठी शहर वाहतूक पोलीस निरीक्षक गजानन शेळके, डॉक्टर आशिष ठाकरे व वाहतूक कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले। मुख्य संपादक निलेश किरतकार, अकोला एक्सप्रेस न्यूज, अकोला। जैसे अकोला में नहीं, पूरे राज्य में हरेक जिले में, हरेक जिले के हरेक कोने में इसका आयोजन किया है। क्यों करते हैं हम ये? ताकि जो हरेक नागरिक है उसको ट्रैफिक के बारे में थोड़ा सा सेंसिटाइज किया जाए, उसके बारे में जो कायदे हैं उसके बारे में उसको नॉलेज किया जाए। एट द सेम टाइम जो ट्रैफिक के इंसिडेंट होते हैं, वायलेशन होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, खेती ने पता है क्या सीरियसनेस है, नंबर्स उसने पता है 1.5 लाख के करीब जो कैजुअलिटीज रहते हैं साल भर। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, सिर्फ अकोला जिले की बात है, एटलीस्ट 50 जो कैजुअलिटीज है हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। उनकी एक ही चूक थी, उनके पास हेलमेट नहीं है। अगर हेलमेट पहने होते तो शायद कैजुअलिटी वहां पे जो सीरियसनेस था उसको हम टाल सकते। एट द सेम टाइम जो बाकी के वायलेशन है, ड्रंकन ड्राइविंग हो सकती है, जो भी वायलेशन रहते हैं उसका जो परिणाम होता है सिर्फ जो चला रहा है चालक का नहीं, जो बाकी के लोग रहते हैं उन पे भी पड़ता है। अगर हम देखते हैं ट्रैफिक के वायलेशन में मैक्सिमम जो डेथ्स होते हैं जो रस्ते पे चल के जा रहे हैं उनका ही रहता है, उनको भी जो थोड़ा सा काळजी लेना चाहिए जब भी कोई, क्योंकि हमारा क्या है ध्यान हमारा कभी भी जब हम चलते हैं रस्ते पे भी कुछ और सोचते रहते हैं या कहीं और पे रहता है। ये सब चीजें सेंसिटाइज करने के लिए इस अवेयरनेस वीक का हम लोग आयोजन करते हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं पुलिस का जो चेहरा है वो है ट्रैफिक के कर्मचारी, इसने पता है। एट द सेम टाइम जो एनवायरमेंट जिस जो हार्श कंडीशन में वो लोग काम करते हैं, धूप हो गया, सर्दी हो गया, आपने कभी भी एटलीस्ट मैंने पिछले 6 महीने में एक भी ऐसा ट्रैफिक के कर्मचारी को नहीं देखा जो अपना पॉइंट छोड़ के ड्यूटी के टाइम में गया, एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं, उनका इतना बड़ा डेडिकेशन रहता है। इसीलिए हमारा भी थोड़ा सा जवाबदारी रहता है कि इनको इतना हार्श कंडीशन के लिए एक्सपोजर जो रहता है तो उनको बहुत सारे ऐसे आजारपन जो रहते हैं, बहुत सारे जो पोल्यूशन हो गया बाकी का कारण की वजह से उनको एलिमेंट्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हमने आज इस ट्रैफिक अवेयरनेस वीक के कॉन्टेक्स्ट में जो शारे के ड्राइवर्स हैं, हमारे खुद के पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, आरसीपी के भी कुछ मेंबर्स हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के हमारे कर्मचारी हैं, डॉक्टर थोराट
इनका तो आप लोग जानते ही है कितने बड़े हस्ती है, लेकिन जब हमारा इन्विटेशन इनको गया था इन्होंने एक हेजिटेशन नहीं किया, उन्होंने बोला जिस दिन आपको चाहिए आपको अरेंज कीजिए, हम लोग पूरा हमारे स्टाफ के साथ जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए मैं उनका मनपूर्वक आभार कर रहा हूँ और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि इसका पूरा लाभ आप लोग ले। ये शुरुआत इतने दिन हम लोग काफी कारण की वजह से विजिट है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कर्मचारियों के लिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो गणित से ऊपर के कर्मचारी है उनके परिवार वाले हैं उनको सारे ऐसे फैसिलिटीज दिया जाए ताकि जो हार्श कंडीशन उनको डे टू डे फेस करना पड़ता है जो भी प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए पुलिस हॉस्पिटल एक हमने प्रपोजल रखा था, उसके लिए कल ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला है, तो शायद 3 या 4 महीने में वो पुलिस हॉस्पिटल का उद्देश्य यही रहेगा। जो भी पेशेंट्स हम लोग जब मेडिकल कैंप्स नहीं अगले 3 या 4 महीने में हम लोग उनका एक रोस्टर बनाएंगे प्रॉपरली, जिनको क्या किस प्रॉब्लम से उनको कैसे डील कराना है तो उसका रेगुलर फॉलो हम लोग देखेंगे, कैसे डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं वीकली या कैसे डॉक्टर्स की भी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो रेगुलर फॉलो जो एसेंशियल है। हर बार हम क्या करते हैं मेडिकल कैंप्स करते हैं उसके बाद फॉलो तुम लोग अपने लेवल पे लेते हो, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश किया जाए। अंत में मैं इतना ही बोलूंगा, आज ये कैंप फिर से मैं एक बार डॉक्टर थोरा का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ सभी लोगों को इस कैंप का लाभ मिले।